मोबाइल के अंदर पीछे के अंदर जल्दी जैसे जैसे शैतान को टाइम आप लोगों ने भी पूरी टाइम फिलहाल भाई बस नहीं साइन करते हुए ले रहे ना आप लोग साइन कर रहे हैं पापा मोबाइल डाले चले आ जाओ इसको जी बस दे देना ही दे देंगे सामने सिक्योरिटी लगे उनको पकड़ा दे एक नारा हुआ करता था लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। हम समझते थे कि यह कोई नारा है, उसकी हकीकत का रंग धार चुका है ये सीएम हाउस और ये सिंध हुकूमत। कुछ अर्से पहले भी यहाँ जो भी सीएम हाउस आता है उस पर लाठी भी चलती है, गोली भी चलती है। आज हम एमपीएस एक खत लेकर खत देने आ रहे थे, चूंकि हमारे लीडर ऑफ द हाउस असेंबली से मफरूर थे। हमने करारदाद पेश की थी जिस पे नासिर शाह साहब ने भी साइन किए थे कि जी हमारे सिंध में जो बच्चियों से ज्यादती के वाकयात हो रहे हैं, बच्चियों से हरेसमेंट के वाकयात हो रहे हैं, नौकोट में बच्चियों से ज्यादती की गई और डीएनए रिपोर्ट आ गई कि डॉक्टर निमरता और नौशीन शाह की भी ज्यादती साबित हुई, परवीन रिंद कह रही है उसके साथ हरेसमेंट हुई, हम चाह रहे थे उस पर डिस्कशन हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इन्होंने स्पीकर को डिक्टेट करके नहीं होने दी। आज हम एमपीएस सिर्फ एमपीएस गिन लो आज खत देने आ रहे थे, लेकिन ये खौफ का आलम साबित कर रहा है कि इन बच्चियों की इज्जतों के नीलामी के छींटे इनके कपड़ों पर है, इनकी गर्दन पर है, इन बच्चियों की जिंदगी का खून के छींटे इनके दामनों पर है, भंड बरादरी के इनके दामनों पर है। हमें खाती पेश कर खारदार तार कंटेनर वो सामने जो बैठे मामू हैं इनके, 20 दिन मामू साहब बैठे रेड एरिया के अंदर, लेकिन आज देख लिया कि ये डिक्टेटरशिप है, सिर्फ में डिक्टेटर की हुकूमत है। लाल भाई जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप लोग असम्बली भी कवर करते हैं, चाहे वो नाजिम जोकियो का इशू हो, चाहे फहमीदा सियाल का हो, अजीज़ मेमन का इशू हो, हमने जब भी असम्बली में बात करने की कोशिश की हमारा माइक नहीं खोला गया। असम्बली में एक डिक्टेटरशिप है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी है होती है उससे ज़्यादा आज ये डिक्टेटरशिप आपको सिंध असम्बली में नज़र आती है। हम जब सिंध के इश्यूज़ की बात करना चाहते हैं, हम ये बात करना चाहते हैं कि नवाब शाह में जो इंसिडेंट हुआ उनके कातिलों को पकड़ो, हमें सीएम साहब जवाब दें, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके पास है। हम जब बात करना चाहते हैं कराची के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे, हम जब स्ट्रीट क्राइम्स पे बात करना चाहते हैं तो ये हमारा माइक बंद कर देते हैं, माइक नहीं खोलने देते हैं। और आउट ऑफ द टर्न जो वो बिजनेस आता है जो सिंध के इश्यूज़ का जो मेन इश्यूज़ है वहाँ से तवज्जा हटाने के लिए बिजनेस आया जाता है। आज क्या वजह थी कि प्राइवेट मेंबर्स डे होने के बावजूद पूरा सेशन में आज हमारा बिजनेस नहीं चलाया गया। 3 दिन से हमारे ओपोजिशन लीडर और पार्लियामेंटरी लीडर कोशिश कर रहे हैं कि हमारी रेजोल्यूशन फ्लोर ऑफ द हाउस पे आए, लेकिन सिंध की बच्चियों के लिए, हम उन पुलिस वालों के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं जो एक एसएचओ शहीद हुए, उसके लिए हम आवाज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन ये हमारी आवाज़ बंद नहीं कर सकेंगे। और आज साबित होता है कि ये जितने जराइम हैं इसके पीछे जो है वो साईं सरकार का हाथ है, कातिल हैं ये। हमें पता था पहले कि इस असेंबली में डाकू चोर लुटेरे बैठे हैं, लेकिन आज इस असेंबली में कातिल भी बैठे हुए हैं जी, कातिलों का सरपरस्त। औजु बिललाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जनाब, आज ये बात साबित हो गई कि अब जरदारी जो है, वो कहते थे ना कि एक जरदारी सब पे भारी, ये जरदारी साबित हो गया कि पूरे सिंध पे भारी हो गया है। आज हम यहाँ पे तमाम एमपीएस क्यों खड़े हुए हैं? क्या हमें कोई कमीशन चाहिए? हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए? हमें कोई ज़मीन चाहिए जरदारी से? या हमें कोई ठेका चाहिए मुराद अली शाह से? हम यहाँ पर
आज यहाँ पे डॉक्टर परवीन रिंद के लिए, आज हम यहाँ पर खड़े हैं निम्रता कुमारी के लिए, आज हम यहाँ पे खड़े हैं डॉक्टर नौशीन के लिए, आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं उन तमाम भंड बरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों से जिनको जरदारियों ने मार दिया। आज उस पुलिस वाले के लिए खड़े हुए हैं जिसके पैर पे सिर्फ एक गोली लगी थी, वो तड़प तड़प के इसलिए मर गया कि जान के वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं भेजी। अब आप फैसला करें, तमाम सहाफ़ी, तमाम एंकर्स, पूरी पाकिस्तान की मीडिया फैसला करे कि डर जाएं जरदारी से, खौफ खा लें जैसे पूरे सिंध को खौफ के अंदर मुब्तला किया हुआ है, या मुकाबला करें। हमारे माँ बाप ने, हमारे वालदैन ने, हमारे लीडर इमरान खान ने हमें सिखाया, मुकाबला करेंगे, बग़ैर हथियार के मुकाबला करेंगे, बग़ैर लोगों के मुकाबला करेंगे। सिर्फ एमपीएस खड़े हुए हैं चीफ मिनिस्टर, इस वज़ीर आला, इस नलाई के आला के दरवाजे के आगे, इसलिए खड़े हुए हैं कि ये जिम्मेदार है, ये होम मिनिस्टर है, इसके साए तले ये सारे कत्ल हो रहे हैं, ये बैठकर चीफ मिनिस्टर हाउस में तमाशा देख रहा है। ये बात समझ जाएं कि जब तक ये हकूमत, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्ट हकूमत जिसका ज़ाती गर्ज सिर्फ माल बनाना है, जब तक ये क्रिमिनल हकूमत यहाँ पर रहेगी, जब तक यही चलता रहेगा। ये मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जमात नहीं है, ये जरदारी लीग है, लिहाजा जरदारी लीग के साथ उसी लीग के तहत मुकाबला करना पड़ेगा, लोगों को इनके खिलाफ सड़कों पे आना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरीके से चुन चुन कर मारते रहेंगे। 8 से 9 कत्ल ऐसे हैं पिछले 4 से 5 साल के जिसके अंदर सिटिंग एमपीएस इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर सिटिंग एमएनएस इन्वॉल्व हैं, कोई है इनसे पूछने वाला? चीफ जस्टिस साहब, आपसे गुजारिश की थी, आपसे एक दफ़ा वापस गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीके से भंड बरादरी के गरीब लोगों को, हारियों को वहाँ पे जरदारियों की तरफ से कत्ल किया गया है, उसका नोटिस लिया जाए और ये फैसला किया जाए कि इनके साथ क्या करना है। हमारा मुकाबला इनके साथ इसी तरीके से चलता रहेगा, सिंध असेंबली में भी चलेगा। ये फैसला हमने करा है स्पीकर साहब कि अगर आप हमारी करारदा दें, हमारी कॉल अटेंशन, हमारे एडजर्नमेंट मोशंस और हमारे क्वेश्चंस अगर असेंबली में नहीं लेंगे तो फिर हम यहाँ पर अपना इजलास लगाएंगे सीएम हाउस के बाहर रोज़। आपकी मर्ज़ी, आपने क्या करना है। ये देख लें, ये मेन शाहरा पूरी बंद की हुई है, सिर्फ 20 एमपीएस डर गए हैं, पूरा रोड बंद कर दिया है। कराची के लोग ख्वार होते रहे, पूरा शहर घूम के जाएं, लेकिन ये रोड बंद कर दिया गया। इंशाल्लाह ये जंग जारी रहेगी। लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम से ये सामने कागज़ हमने लेटर लगा दिया है। वज़ीर आला साहब, अगर आपके पास टाइम हो तो आगे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके स्पीकर ने हमें असेंबली में बात नहीं करनी थी 26 फरवरी के बारे में, और 26 फरवरी को वैसे भी